गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच लेफ्ट द सम प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग, जो छूटे हुए सिद्धांत हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि इन सिद्ध व्हेन यू इफ यू एडॉप्ट दिस प्रिंसिपल यू मे फाउंड ए गुड गार्डन बाय यू। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हेन टू प्लांट, प्लांटिंग कब करनी चाहिए, कब पौधे को लगाना चाहिए। प्लांटिंग शुड बी डन व्हेन प्लांट्स हैव द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल। प्लांटिंग ऐसे समय पे करनी चाहिए जब पौधों को जीवित रखने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। द सीजन ऑफ प्लांटिंग वेरीज विद द टाइप ऑफ प्लांट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। प्लांटिंग का जो समय होता है पौधरोपण का, पौध लगाने का, वो जलवायु तथा भूमि के ऊपर डिपेंड करता है। इन इंडिया मानसून जून जुलाई एंड स्प्रिंग फरवरी मार्च आर टू प्लांटिंग सीजन। भारत में दो मौसम हैं पौधे लगाने के, जून जुलाई रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च। मानसून इज कंसीडर्ड टू बी बेस्ट फॉर प्लांटिंग एवरग्रीन प्लांट, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, अकॉर्डिंग टू लीफ फॉल द प्लांट्स आर डिवाइडेड आई टेल बिफोर अकॉर्डिंग टू लीफ फॉल द प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एवरग्रीन एंड डिसीडियस प्लांट, सदाबहार तथा पतझड़ी पौधे। ऐसे पौधे जो हमेशा पत्तियों से लदे रहते हैं, जिनमें पत्तियाँ पूरे वर्ष मौजूद रहती हैं, उन्हें हम सदाबहारी पौधे कहते हैं। जो पौधे अपनी पत्तियाँ कुछ समय के लिए साल में गिरा करके सुस्तावस्था में चल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसीडियस प्लांट या पतझड़ी पौधे कहते हैं। तो जो ईयरग्राउंड प्लांट हैं उनके लगाने का समय जून जुलाई या रेनी सीजन होता है, तो पतझड़ी पौधों को लगाने का सही समय फरवरी मार्च होता है। तो इस प्रकार से फरवरी मार्च और जून जुलाई दो सीजन में पौधों को लगाना चाहिए। सदाबहारी पौधों को जून जुलाई तथा पतझड़ी पौधों को स्प्रिंग सीजन फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग कब करें। ट्रांसप्लांटिंग इज सिंपल ऑपरेशन, इट मींस ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका ट्रांसफ़र करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पौधों को लगाना। तो इसमें विशेष करके सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इट मींस ट्रांसफ़र करने में उनकी रूट वगैरह देखना चाहिए कि किसी तरह से बाधित ना हो, किसी तरह से रूट वगैरह में कोई इंजरी ना आने पाए। और ट्रांसफ़र करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि पौधे को हम कैसे एक जगह से निकालें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाउ टू ट्रांसफ़र। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र ए पार्ट प्लांट टू द ग्राउंड, रिमूव एंड लूजन द रिंग ऑफ द रूट्स। हमें जो रिंग होती है रूट्स की, जहाँ पे गोले में रूट लगी उसको लूज करना चाहिए एंड प्लेस इट इन द प्रिपेयर्ड होल, जो गड्ढा है उसमें आराम से लगा देना चाहिए रिंग को, वो करके लूज करके। एनी ट्री विद टाइप रूट्स शुड नॉट बी केप्ट टू लॉन्ग इन ए पार्ट। जो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग द रूट द प्लांट्स आर टू टाइप, टाइप रूट सिस्टम एंड एडवेंटेजियस रूट सिस्टम। जो टाइप रूट सिस्टम हैं उस ऐसे प्लांटों को हमें बहुत दिनों तक गमले में नहीं रखना चाहिए, उन्हें गमले में से ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें जड़ें ज़्यादा होती हैं और रूट जो हमारा गमला है वो फट जाएगा। तो इस प्रकार से प्लांट को, टाइप रूट सिस्टम वाले प्लांट को विशेष करके ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू टॉस आउट ए प्लांट, आप कैसे एक गमले से पौधे को निकालेंगे। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जब पौधे पार्ट से हम ग्राउंड में ट्रांसफ़र करते हैं और पौधा गमले से निकालते हैं, तो ज़्यादातर गमले टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से गमले में ये करीब एक घंटे बाद उसमें पानी डाल लेना चाहिए गमले में, जिससे उसकी मिट्टी लूज हो जाए। और इसके बाद में राइट हैंड से हमको दो
तो क्या करना चाहिए, हाउ टू टॉस आउट ए प्लांट फ्रॉम पॉट, पॉट से कैसे गमला निकालें, तो इसके लिए गमले को उल्टा कर लेना चाहिए और राइट हैंड से उसके बॉटम में हाथ रखना चाहिए, लेफ्ट हैंड से उसका स्टेम में एक्सटेंडेड फिंगर से उसके स्टेम को पकड़ कर और ऐसे उल्टा कर लेना चाहिए और स्लोली स्लोली उसको निकालना चाहिए, इकट्ठा नहीं निकाल करके स्लोली स्लोली निकालना चाहिए, और जैसे भी हो आपको पॉट को बचाना है, तो ये टॉस आउट करना है प्लांट को। पॉटिंग इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन गार्डनिंग प्लांट टू ट्रांसफर इट फ्रॉम स्मॉलर पार्ट टू लार्जर वन बाई ग्रेजुअल स्टेजेस। जैसे जैसे आप देखते हैं कि ये पॉटिंग क्या होती है, एक छोटे गमले से बड़े गमले में पौधों को लगाना, तो इसमें क्या होता है कि आप छोटे गमले में जब पौधा ग्रो कर जाता है तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि गमले की एक कैपेसिटी होती है कितने दिन तक उसके इस प्लांट को अपने में रख सकता है, उसके बाद प्लांट बाउंड कंडीशन हो जाती है और पौधा भी मर जाता है या गमला फटने की पोजीशन आ जाती है। तो प्रकार से पॉटिंग करना चाहिए, ट्रांसफ़र फ्रॉम स्मॉल पार्ट टू लार्ज पार्ट। इसमें क्या करना चाहिए कि द प्लांट कब हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए, द प्लांट्स बिफोर द प्लांट्स गेट्स रूट बाउंड। जैसे कि मैंने एक बार रूट बाउंड कंडीशन के पहले उसको एक स्मॉल पार्ट से लार्जर प्लांट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। हाउ टू रिपॉट, इसके बारे में आई हैव टोल्ड इन रिपॉटिंग ऑफ समे प्लांट प्रीवियसली, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू रिपॉट, हमें रिपॉटिंग कब करनी चाहिए, बेस्ट टाइम ड्यूरिंग वेट वेदर। जब रिपॉटिंग कब करनी चाहिए, जब हमारा जो मौसम रहता है उसमें नमी हो तब रिपॉटिंग करना सुटेबल रहता है, अगर नमी नहीं है तो पौधा जो है इनको सन स्क्वेयरिंग के द्वारा ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिपॉटिंग, व्हेन टू रिपॉट द ड्यूरिंग वेट वेदर, एवॉइड ट्रांसफरिंग व्हेन न्यू ग्रोथ जस्ट कमेंसमेंट, और जब नई ग्रोथ होती हो तब रिपॉटिंग कतई नहीं करनी चाहिए, ऐसे पोजीशन में पौधा डाई हो जाता है। व्हाट टू रिपॉट, रिपॉटिंग ऑफ ए प्लांट, हमें किस चीज़ की रिपॉटिंग करनी चाहिए, किस जात का पुनः गमलों में रोपित करना चाहिए। रिपॉटिंग ऑफ ए प्लांट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बोथ शूट एंड रूट। रिपॉटिंग जो है उसकी तने तथा जड़ की ग्रोथ के ऊपर, वृद्धि के ऊपर डिपेंड होती है, किस अनुपात में इसकी जड़ तथा तने की वृद्धि हो रही है, ये डिसाइड करता है रिपॉटिंग करने की क्रिया को। द क्रिजैथिमम मे बी रिपॉटिंग इन क्रिजैथिमम, गुलदाउदी रिपॉटिंग 30 से 40 दिन में करना चाहिए, जबकि पाम में रिमेन एवरेज पार्ट फॉर 4 to 5 years, जबकि पाम जो है 4 से 5 साल तक एक गमले में लगाए रखा जा सकता है, जबकि रिपॉटिंग में सकर्स निकलते हैं काफ़ी मात्रा में, तो इसमें करीब 30 से 40 दिन में रिपॉटिंग करनी चाहिए। वेयर एज द प्लांट्स हैविंग ग्रो रैपिडली इट मीन नीड रिपॉटिंग एवरी ईयर, अगर ऐसा पौधा जो बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करता है इसकी रिपॉटिंग प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। दीज आर द सम प्रिंसिपल विच आई टोल्ड यू, इफ़ यू फॉलो दीज प्रिंसिपल इन गार्डनिंग यू मे डेवलप ए गुड गार्डन। थैंक यू वेरी मच, आई रिक्वेस्ट आई कैन सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।